वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे साइको टेस्ट में एक सेक्शन होता है मेमोरी टेस्ट, जिसमें एक पिक्चर टेस्ट होता है। उसमें कुछ पिक्चर्स दिए रहते हैं, आपको 2 मिनट के अंदर उन पिक्चर्स के पोजीशन याद करने होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को सीखेंगे कि हम गिवन टाइम में कैसे पूरे पिक्चर्स याद कर सके अच्छे तरीके से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह क्वेश्चन में टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको इस पिक्चर को मेमोराइज करने के लिए, उनकी पोजीशन को मेमोराइज करने के लिए टोटल 2 मिनट दिया जाता है, और फिर आंसर करने के लिए 2 मिनट दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखिए, इन क्वेश्चन में से सबसे पहले आप अपना 6 मार्क्स जो है वो उसको स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि आप सेफ साइड पर आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे आसान जो डायग्राम है याद करने के लिए, वो है मिडिल वाला, ये वाला। आपको कोई भी कॉर्नर का पोजीशन याद नहीं रखना है, बस एकदम मिडिल में जो डायग्राम है उसका पोजीशन याद करना सबसे इजी होता है। तो ये देखिए, बीच में दिल है, तो ऐसे भी दिल जो होता है वो ऑलमोस्ट मिडिल में ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दिल बीच में। अब इसके बाद जो दो और डायग्राम जो आसान है याद करने के लिए, वो है ये पाइप वाला, ये पाइप से ये जो जा रहे हैं दो, ये वाले डायग्राम। तो ये वाले देखिए, ये जो सिलाई मशीन है, सेविंग मशीन, उसका नीचे का जो बेस है वो फ्लैट है। तो उसको अगर हम इस स्लैंट हाइट पर रख देंगे तिरछे ज़मीन पर, तो वो स्लाइड करेगा, और स्लाइड करके नीचे तक आ जाएगा, मतलब यहाँ तक उसका कुछ पोजीशन ऑलमोस्ट नीचे की ओर होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका जो सरफेस था वो इससे स्लाइड करके यहाँ तक आ गया। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब तीसरा का, तो ये देखिए, ये रहा तीसरा। तो तीसरा एक केक है, समझ लीजिए। ओके, तीसरा केक है, बर्थडे में किसी का केक आया। अभी इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, इसको हम आगे और एक्सटेंड करेंगे इसका। इसके बाद जो और एक डायग्राम है जो हम आसानी से याद रख सकते हैं, वो ये वाला है। अब बोलेंगे कैसे, तो ये देखिए, ये यहाँ से किसका कनेक्शन है। ठीक है, तो दिल से ऐसे कनेक्शन जो यहाँ पर ये वाला आया है, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इसका पोजीशन याद रख सकते हैं इसके थ्रू। तो अब मान लीजिए दिल की कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया है, और एम्बुलेंस जो है वो थोड़ा सा इसका मिडिल में नहीं है, इसके मिडिल से थोड़ा सा नीचे में है एम्बुलेंस। ठीक है, तो इसका पोजीशन हमें याद हो गया। और आप ये कैप को इस तरह से याद कर सकते हैं कि कैप, अब एम्बुलेंस वाले आए हैं तो वो कैप लगा कर आए हैं ताकि धूप से बचे। ठीक है, और ये देखिए कैप का पोजीशन, देखिए कैप एकदम कॉर्नर पे है, टॉप कॉर्नर पे है। ओके, और इसके सबसे नज़दीक आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस के कैप जो है जितना नज़दीक हो सकता है इस बॉक्स के अंदर में रहते हुए, उतना नज़दीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पर बोला था कि ये केक है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे था, तो वो केक यहाँ पर है, और फिर केक जो है, केक के साथ उसे गिफ्ट में मिला कोई खिलौना। तो ये खिलौना, ये घोड़ा का कोई खिलौना, आप याद रखिए कि इसके नीचे इसको रखा है इन्होंने। ठीक है, और केक में एक मैजिशियन को ही बुलाया गया, तो टोपी हम कहाँ सर पे पहनते हैं, तो वो ऊपर साइड में होता, तो ये सबसे कॉर्नर में टोपी है। ओके, तो टोपी यहाँ पर हो गया। अब मैजिशियन ने कुछ जादू बोला, मतलब यहाँ पर 2 छोड़ करके, देखिए ये 2 छोड़ करके ये तीसरे वाले में हम आ जाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट मिडिल में, ठीक है, ये देखिए इससे मिलाइए, ये देखिए ये ऑलमोस्ट मिडिल हो रहा है, और ये वाला जो कमेंट बॉक्स है ये थोड़ा नीचे की ओर है, ये पूरा बीच में नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैजिशियन ने कुछ कमेंट बोला तो वो मिडिल में आया, ठीक है, और मैजिशियन ने जब कुछ बोला तो ये टोपी के अंदर से एक कबूतर निकला। ऐसे तो मुर्गी का फोटो है, लेकिन मैं कबूतर बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा ऐसे भी। और ये देखिए, ये जो मुर्गी है ये कुछ इस कॉर्नर से नज़दीक है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। अब
उसके बाद आपको वो होने के बाद लोगों ने बहुत तालियां बजाई, तो वो एक तीनों साइड से तालियां हैं, चौथे साइड में मैजिशियन है, तो तीन साइड से तालियां की मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर से कोई बोल रहा है, उस तरह का फिगर आपको याद रहेगा। अब इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में ये घर है, जो ये घर का जो ये टॉप जो कोन नुकीला जो एज है, वो ये जो बॉक्स है उसके नुकीले एज के सबसे मतलब अपोजिट में है, ठीक है, एकदम ठीक अपोजिट में, मतलब चौड़े वाले साइड में इसका जो नुकीला वाला जो पार्ट है वो ऊपर से सटा हुआ है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। फिर उसके बाद ये घर जो है, ये घर से पानी निकल रहा है, तो पानी निकल रहा है तो पानी हमेशा बेस की समुद्र की तरफ जाएगा, बेस की ओर, ठीक है, तो ये बेस से नज़दीक में, इसका पानी जो है बेस से ऑलमोस्ट टच हो रहा है, तो इतना हमें याद हो गया। तो इस तरह से हमने पूरे डायग्राम को और उसके पोजीशन को मेमोराइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे आंसर कर पाते हैं अच्छे से या नहीं। फ्रेंड्स, ये रहा आंसर पेपर, इसको आप वीडियो को पॉज करके और खुद से आंसर भी करने की कोशिश कर सकते हैं एक बार। और इसको आंसर करने के लिए आपको टोटल 2 मिनट दिया जाएगा, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये पहला वाला जो डायग्राम है वो घर का है, तो घर हमारा कहाँ कहाँ पर था, घर हमारा एक इसमें था और एक इसमें था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर घर है और उसका पानी जो है वो बेस से टच कर रहा, समुद्र की ओर जैसे जाता है तो वो सबसे नीचे की ओर जा रहा पानी ऐसे भी, तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर बी हो गया। अब ये देखिए, ये केक जो है, ये केक कहाँ था, ये केक देखिए, ये सर्कल का लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ केक था, मैंने कहा था पाइप के अंदर एक केक रखा हुआ है। ओके, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। अब ये जो मुर्गा है, ठीक है, तो मैंने कहा था कि मुर्गा यहाँ पे कुछ मैजिशियन का टोपी था और उसने कुछ जादू बोला था, तो मुर्गा निकला था यहाँ इस बॉक्स से, ठीक है, और मैंने कहा था कि इस बॉक्स का मुर्गा जो है वो एकदम कॉर्नर, इस कॉर्नर पे लगभग था, ठीक है, इससे नज़दीक, टोपी के नज़दीक, तो इसका आंसर इस हिसाब से डी हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये देखिए, सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन का मैंने कहा था कि सिलाई मशीन जो ये पाइप से फिसल कर नीचे तक पहुंच गया था, यहाँ तक ऑलमोस्ट नीचे तक पहुंच गया, तो सिलाई मशीन कुछ इस जगह पर था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब ये जो घोड़े का मैंने कहा था कि बच्चे जिसको केक मिला था, ठीक है, उसको घोड़ा भी मिला था और घोड़ा को उसने नीचे रख दिया था, तो घोड़ा को उसने नीचे रख दिया था मतलब इस बॉक्स में रख दिया था, हमें याद है, तो इसका आंसर इस हिसाब से ए हो जाएगा। ओके, अब ये टोपी का जो है पोजीशन वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये देखिए, दिल जो था, दिल का बीमारी ठीक करने के लिए हमने एम्बुलेंस बुलाया था जो कि इस बॉक्स में था। ओके, और एम्बुलेंस वाले जो थे वो कैप पहने हुए थे धूप से बचने के लिए, जो कि इसके एकदम नज़दीक में था ये वाले बॉक्स में, और कैप जो था वो एकदम इस कॉर्नर पे था एम्बुलेंस के नज़दीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो बोलने का कोई कुछ इंसान बोल रहे हैं, तो मैंने कहा था कि मैजिशियन ने मैजिक दिखाया, तो कुछ लोगों ने ताली बजाया और कुछ उसकी बड़ाई की, तो वो तीनों तरफ से लोगों ने बड़ाई किया। ओके, चौथे साइड में मैजिशियन था, तो तीन साइड मतलब त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, तो इसके अंदर ये वाला डायग्राम था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा इस हिसाब से। और ये जो दिल था ये बीच में होता है। ओके, तो ये सबसे मिडिल में था ये दिल वाला डायग्राम, तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मैजिशियन का टोपी था, उसने कुछ कमेंट कहा था और कमेंट बॉक्स एकदम मिडिल में था मतलब यहाँ पर। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा इस हिसाब से। और ये जो आपको घर दिख रहा है, ये इसी के शेप का, इसका एक ट्रायंगल बना हुआ था, ट्रायंगल के अंदर था, और इसका जो नुकीला पार्ट है वो इसके नुकीला पार्ट के अपोजिट था। ओके, आपको याद होगा ये इससे टच हुआ था उसका नुकीला पार्ट, तो ऊपर वाला जो ए है उसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से इसका। और मैजिशियन जो है वो मैंने कहा था कि टोपी जो है सर पे पहनते हैं, मैजिशियन भी है, तो सबसे ऊपर साइड में यहाँ पर था मैजिशियन कुछ एकदम कॉर्नर पे, तो मैजिशियन वाला का
टॉपिक का, ये 11 का ए हो जाएगा। और 12वां नंबर मैंने डिस्कस कर दिया था कि यहाँ थ्रेड से लटका हुआ है ये, तो ये सी एम्बुलेंस था, दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए हमने डॉक्टर को बुलाया था एम्बुलेंस को, तो यहाँ पे सी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पोजीशन वाइज डायग्राम को याद किया है कि कौन सा पोजीशन सबसे आसान है, और मैंने क्या किया है कि शुरू में जो अच्छे पोजीशन थे उनको याद करने के बाद बाकी डायग्राम को उनसे लिंक करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा लिंक करने से 1, 2, 3 डायग्राम अगर अच्छे से हमें याद रहा उनका पोजीशन, तो हम उनके थ्रू उन तक पहुँच सके। अगर सिंगल सिंगल याद करेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न बहुत होगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए और ट्राई करिए पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप इस सेक्शन में फुल नंबर लाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।